Hello students, myself Dr. Nisha Jain, associate professor. Aging, जीनता हम लोग ये chapter कर रहे हैं, इसका part 5 आज मैं आपका start करूंगी. BSc part 1 zoology, paper 3 gamete and developmental biology. परिवर्धन जैविकी के अंदर जीनता एजिंग चैप्टर हम कर रहे हैं और इसी का 1, 2, 3, 4 पार्ट हम कर चुके हैं. आज हम 5th पार्ट करेंगे एजिंग का. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. इसके अंदर आज मैं आपको बताऊंगी डिजीजेस एसोसिएटेड विद एजिंग, जीनता या बुढ़ापे के साथ कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं. The changes occurring in the intercellular spaces and in the lumen of the blood vascular system are example of extracellular changes. पहली जो बीमारी है वो मैं डिस्कस करूंगी, दैट इज डिमेंशिया. What is dementia? Dementia, it is taken from Latin, originally meaning madness. From the without plus ment, the roots of man's mind, is a serious loss of cognitive ability. Dementia is a common in geriatric population. ये जो बीमारी है इसका, इसको हम बोलते हैं madness. ये जो बीमारी है ये geriatric old persons के अंदर बहुत common बीमारी है. Dementia is a non-specific illness syndrome, that is a set of syndromes in which affected area of cognition may be memory, attention, language and problem solving. One of the most common form of dementia is Alzheimer's disease. आपने देखा होगा जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं वो भूलते बहुत जल्दी हैं. दिस इज ओनली डिमेंशिया. क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये बीमारी आ चुकी होती है, बिकॉज विद द एज. प्रोजेरिया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हचिसन गिल्फोर्ड सिंड्रोम. हचिसन गिल्फोर्ड सिंड्रोम. प्रोजेरिया is a disease characterized by normal development in the first year of life followed by rapid aging. ये ऐसी बीमारी है जिसके अंदर एक साल तक बच्चे का development normal होता है, लेकिन उसके बाद इतना fast होता है, इतना fast होता है कि वो कुछ ही साल में बूढ़ा हो जाता है. It is caused by a genetic defect in which telomeres are considerably shorter than normal. ये वो बीमारी, जेनेटिक बीमारी है जिसके अंदर की क्रोमोसोम्स के अंदर टेलोमर्स जो होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं नॉर्मल से. सिम्टम्स इंक्लूड ड्राई एंड रिंकल स्किन, टोटल बैलनेस एंड बर्ड लाइक फेशियल फीचर्स. स्किन ड्राई होती है, रिंकल्ड होती है, पूरा गंजा होता है और फेस जो है वो बर्ड, मतलब पक्षी, पंछी के जैसा हो जाता है, बर्ड लाइक फीचर्स. और इस केस के अंदर डेथ जो होती है वो जनरली एट द एज ऑफ 13 तक तो वो उसकी डेथ ही हो जाती है, क्योंकि वो इतना बूढ़ा हो जाता है, इतना फास्ट उसके अंदर एज ग्रो करती है. ये आप देखिए, दिस इज द केस ऑफ प्रोजेरिया इन विच द स्किन इज ड्राई, रिंकल्ड, बॉल्डनेस इज देयर एंड फेस लुक लाइक अ बर्ड. This is a very interesting example. You must, आप बहुत लोगों ने, आपने शायद मूवी देखी होगी पा. अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी पा. उस मूवी, उसके डायरेक्टर आर बालकी ही थे. उस मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन ने एक प्रोजेरिया चाइल्ड का रोल प्ले किया था, जिसके अंदर की बच्चा पैदा होता है और वो इमीडिएटली बूढ़ा हो जाता है. तो इट वॉज अ वेरी गुड मूवी पा. इसके अंदर प्रोजेरिया बीमारी के बारे में ही बताया गया था. नेक्स्ट डिजीज ऑफ एजिंग इज वर्नर सिंड्रोम. व्हाट इज वर्नर सिंड्रोम? वर्नर सिंड्रोम इज अ रेयर इनहेरिटेड डिजीज दैट कॉजेज अ रैपिड एक्सेलरेशन ऑफ एजिंग, यूजुअली व्हाइल द पर्सन इज ओनली इन हिज 20s. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिंकलिंग ऑफ स्किन, ग्रेइंग ऑफ हेयर, बॉल्डनेस एंड कैटरेक्ट. ये भी प्रोजेरिया के जैसी ही बीमारी है, लेकिन इसमें 20 साल के बाद एकदम अचानक बुढ़ापा आता है.
इसमें भी वही स्किन ड्राई हो जाती है, बाल ग्रे हो जाते हैं, गंजापन आ जाता है, आंखों में कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है, मस्कुलर एट्रॉफी हो जाती है, टेंडेंसी डेवलप डायबिटीज मेलिटस डायबिटीज बीमारी हो जाती है, या फिर कैंसर हो जाता है, या फिर कार्डियोवास्कुलर हार्ट की कोई डिजीज हो जाती है। ये पर्सन भी ज्यादातर 50 के बाद एज नहीं लेते हैं, मतलब अप टू 50 दे यूज टू डाई। दिस इज ए पिक्चर शोइंग वर्नर सिंड्रोम। एक लेडी है जिसकी एज 15 साल है और उसको वर्नर सिंड्रोम होता है, और 48 ईयर्स में उसकी शक्ल आप देखिए कैसी हो गई। 15 साल की उम्र में उसको वर्नर सिंड्रोम हुआ और आप देखिए 48 ईयर्स के अंदर उसकी शक्ल कैसी हो गई है। शी लुक लाइक एज इफ शी इज 70 और 80 ईयर्स ओल्ड। दिस इज वर्नर्स सिंड्रोम। देन वी हैव अल्जाइमर्स डिजीज। What is Alzheimer's disease? In Alzheimer's disease, a substance called amyloid builds up and causes the early death of the brain cells, which results in a progressive loss of memory and other brain functions. इस बीमारी के अंदर एक सब्सटेंस बनता है जिस जो कि एमाइलॉयड कहलाता है। इसकी वजह से ब्रेन सेल जो होते हैं वो उनकी मेमोरी खत्म हो जाती है और उनकी फंक्शनिंग एकदम प्रॉपर नहीं हो जाती है। इसको कि हम एमलॉयड प्लाक भी बोलते हैं। देखिए ये नॉर्मल ब्रेन है जिसके अंदर की न्यूरोन आपको दिख रहे हैं, क्लियर। ये अल्जाइमर्स डिजीज के पर्सन का ब्रेन है जिसके अंदर आपको न्यूरोन के साथ साथ आपको एमलॉयड प्लाक दिख रहा है। ये प्लाक जो है ये बीच बीच में इनके आता है और इसकी वजह से ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो एकदम प्रॉपर नहीं हो पाती है। उसके बाद आता है एथेरोस्क्लेरोसिस। व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस? एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ डिजीज इन विच प्लाक बिल्ड्स अप इनसाइड आर्टरीज। ये वह बीमारी है जिसके अंदर की हमारी जो धमनियां होती हैं, आर्टरीज और वेन्स, इनके अंदर प्लाक जम जाता है। प्लाक इज मेड अप ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम एंड अदर सब्सटेंसेस फाउंड इन द ब्लड। ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट फैट, कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम जो भी होता है वो उनके अंदर जम जाता है। ओवर द टाइम प्लाक हार्डन्स एंड नैरो आर्टरीज। समय के साथ ये प्लाक टाइट होता जाता है, हार्ड हो जाता है और उन आर्टरीज को बहुत पतला कर देता है। दिस लिमिट्स द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑर्गन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसकी वजह से जो आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है उसका जो प्रेशर होता है वो एकदम कम हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस कैन लीड टू सीरियस प्रॉब्लम्स लाइक हार्ट अटैक, स्ट्रोक और इवन डेथ। और इसकी वजह से कभी हार्ट अटैक हो जाता है, कभी स्ट्रोक आ जाता है या फिर कभी डेथ हो जाती है। ये आपने एथेरोस्क्लेरोसिस जिसके अंदर के आर्टरीज और वेन के अंदर ये डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल का, ये कैसे होता है? आपने देखा होगा एक वाटर पाइप, पानी का एक पाइप आप देखो, उसके अंदर आपने देखा होगा चारों तरफ कई बार कोरोजन की वजह से या फिर कैल्शियम पानी के अंदर जो सॉल्ट होता है वो डिपॉजिट हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है वो पाइप का जो छेद होता है वो कम हो जाता है। दिस इज एग्जैक्टली लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस। इस पिक्चर को आप देखिए, इसमें आपको बहुत समझ आएगा। ये एक नॉर्मल आर्टरी है, इसको ऊपर से काट के दिखा रहे हैं, नॉर्मल आर्टरी है। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो ये आर्टरी की वॉल है और ये आर्टरी का अंदर का सर्कल है जिसमें ब्लड फ्लो होता है। इसके अंदर ब्लड फ्लो होता है, ऐसे करके ब्लड फ्लो होता है, ये ब्लड फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है। ये आर्टरी जो है जिसके अंदर प्लाक का फॉर्मेशन हो गया, ये देखिए यहाँ पर, ये चाहे कोलेस्ट्रॉल हो चाहे सॉल्ट कैल्शियम हो, ये डिपॉजिट हो गया। इसकी वजह से अब ये देखिए जो ब्लड जो फ्लो हो रहा है यहाँ तो चौड़ा है लेकिन ये पतला हो गया, तो ये पूरा ब्लड जो है वो ऑर्गन्स तक नहीं पहुँच रहा है। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें, ये आर्टरी की वॉल है चारों तरफ से और इसके अंदर का जो ओपन एरिया होता है, होल है, इसमें देखिए ये आधे में तो प्लाक जम गया और आधे में जो है वो ओपन है। This is actually atherosclerosis. Now comes is fibrosis. This is another disease जो कि aging के अंदर होती है। Fibrosis is the formation of excess fibrous connective tissue in an organ or tissue. This is opposed to the formation of fibrous tissue as a normal constituent of the organ or tissue. Example cirrhosis of the liver. Excess जब अगर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू किसी ऑर्गन के अंदर होगा, फॉर्मेशन होगा एक्सेस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, तो उसको हम बोलते हैं फाइब्रोसिस। ये लिवर है, लिवर के अंदर जो लिवर सेल होते हैं उसके अंदर फाइब्रस टिश्यू बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है सेल का जो मेन एरिया होता है वो उसको नहीं मिल पाता है क्योंकि उसके अंदर तो पूरे फाइबर्स ही फाइबर्स आ गए हैं।
तो उसकी फंक्शनिंग जो होती है वो सेल की प्रॉपर नहीं हो पाती है। फाइब्रोसिस का ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये लिवर सिरोसिस है और ये है फाइब्रोसिस इन हार्ट। हार्ट के अंदर भी कई बार फाइब्रोसिस हो जाती है, तो हार्ट की फंक्शनिंग जो होती है वो हैम्पर्ड हो जाती है, प्रॉपर नहीं हो पाती है। नेक्स्ट इज पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज इज अ डीजेनरेटिव सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द मोटर सेंटर ऑफ द पार्किंसंस डिजीज रिजल्ट फ्रॉम द डेथ ऑफ द डोपामाइन जनरेटिंग सेल्स इन द रीजन ऑफ द मिडब्रेन। ये भी एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी है, पार्किंसंस डिजीज। इसके अंदर जो डोपामाइन, डेथ ऑफ द डोपामाइन जनरेटिंग सेल्स इन द रीजन मिडब्रेन के अंदर जो डोपामाइन केमिकल जो बनाते हैं उन सेल्स की डेथ हो जाती है। एंड डेथ क्यों होती है ये अननोन है। द मोस्ट ऑब्वियस सिम्टम्स आर मूवमेंट रिलेटेड, दिस इंक्लूड शेकिंग, रिजिडिटी, स्लोनेस। और कईयों का आपने देखा होगा कि हाथ शेक करते हैं, हैंड्स कपकपाते हैं, वो क्या होता है, दिस इज पार्किंसंस डिजीज। ठीक है, डिमेंशिया कॉमनली अकर्स इन द एडवांस स्टेज ऑफ द डिजीज और लेटर ऑन, इसके बाद क्या होता है, पार्किंसंस के बाद डिमेंशिया हो जाता है। अदर सिम्टम्स इंक्लूड सेंसरी स्लीप एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, सोने में प्रॉब्लम होती है उनको, सेंसरी प्रॉब्लम्स होती हैं। पार्किंसंस डिजीज इज मोर कॉमन इन एल्डरली आफ्टर द एज ऑफ 50। ये ज़्यादातर ये डिजीज 50 ईयर्स के बाद आती है। ये देखिए ये न्यूरोन है, ये डोपामाइन बना रहा है, लेकिन पार्किंसंस डिजीज होने के बाद ये डोपामाइन नहीं बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये नॉर्मल मूवमेंट होता है और फिर ये मूवमेंट जो है ये डिसऑर्डर हो जाता है, दिस इज द पार्किंसंस डिजीज। देन कम्स चेंजेस इन कोलेजन। देर इज इंक्रीज अमाउंट ऑफ कोलेजन प्रोटीन्स डिपोजिशन इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस। दिस इन्फ्लुएंसेस द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द सब्सटेंसेस इन एंड आउट एंड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस द प्रोसेस ऑफ एजिंग। जब बहुत ज्यादा कोलेजन का डिपोजिशन हो जाता है तो भी सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में फर्क आ जाता है, उसकी स्पीड ऑफ डिफ्यूजन में प्रॉब्लम आ जाता है और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। रिंकल्स आर बाय प्रोडक्ट ऑफ द एजिंग। विद द एज स्किन सेल डिवाइड मोर स्लोली एंड द इनर लेयर कॉल्ड द डर्मिस बिगिन टू थिन। द नेटवर्क ऑफ इलास्टिन एंड कोलेजन फाइबर विच सपोर्ट द आउटर लेयर लूजन एंड अनरेवल कॉजिंग डिप्रेशन ऑन द सर्फेस। विद एजिंग स्किन ऑल्सो लूजेज इलास्टिसिटी, इट लेस एबल टू रिटेन मॉइस्चर, ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स आर लेस एफिशियंट एंड द स्किन इज स्लोअर टू हील। ऑल ऑफ दीज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ रिंकल्स। ये सारे कारण हैं झुर्रियाँ होने के, स्किन लटक जाने के। क्यों? क्योंकि इलास्टिसिटी उसकी ख़त्म हो जाती है और उसके बहुत सारे रीजंस मैंने आपको ये बताए हैं। ये आपकी मैंने कुछ असाइनमेंट पीछे इसके दिया है आपको, जीर्णता के ऊपर ये जो क्वेश्चन है, जीर्णता किसे कहते हैं, विन उत्तकों व अंगों पर जीर्णता का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारे काल प्रभाव या एजिंग पर एक निबंध लिखिए। दीज आर दी ऑल डिफाइन एजिंग एंड ऑल्सो डिस्क्राइब सिमेटिक एंड ऑर्गेनल चेंजेस अकॉर्डिंग ड्यू टू एजिंग, हाउ एजिंग अफेक्ट्स कल्चरल सेल, वॉट इज फ्री रेडिकल थियरी ऑफ एजिंग। दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने इन 5 लेक्चर्स के अंदर आपका पूरा किया है। तो व्हाट इज प्रोजेरिया, कला पूर्वजरा क्या है, सो आप इन सारी एक्सरसाइजेस को अच्छी तरह से करिएगा, इसका कॉपी में आप नोट डाउन करिएगा। अगर आप ये सारी एक्सरसाइज कर लेंगे तो ये आपका चैप्टर पूरा आपको लर्न हो जाएगा। विथ दिस इट वाज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, जीनता और एजिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर था जिसको हमने 5 लेक्चर में कम्प्लीट किया है। आज मैं इसको, आज ये फिनिश हो गया है। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।